डबरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पारिवारिक कलह के चलते युवक ने किया प्राण घातक हमला। राजकुमार बाल्मीकि निवासी उडीना जिला दतिया ने कुल्हाड़ी से पत्नी सहित सास पर किया हमला। सास केसरबाई की घटनास्थल पर ही मौत हुई। पत्नी रानी गंभीर रूप से घायल है। डायल 100 की सहायता से पहुंचाया गया सिविल अस्पताल। डॉक्टरों के द्वारा घायल का प्राथमिक उपचार करते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गिचोरा थाना क्षेत्र के जरगांव की घटना बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? आकाश। तो जी, आज जो घटना हुई है इसके संबंध में आपको क्या जानकारी? सर, मैं घर पे खाना खा के मैं काम पे जा रहा था, बस गांव से निकल आई हूँ। एक जाटा हमारे दौड़ता दौड़ता गया, बोले तुम्हारी मम्मी वहाँ पे मरी पड़ी हैं। तो मैं वहाँ पे लौट के आया, देखा तो यहाँ पे मेरी बहन भी घायल थी, बहुत उठ के जा रही थी यहाँ पे रास्ता में। तो वो बोले, भैया मैंने मम्मी को बहुत बचाई, मगर उसने ना मम्मी को तो जान से मार डाली उसकी। आज जो घटनाक्रम हुआ इसके संबंध में सब क्या जानते? ये राजकुमार बाल्मीकि उड़ीना गोधन जिला दतिया का रहने वाला है। इसकी यहाँ ससुराल थी केसरबाई की, और ये अपनी पत्नी और सास के साथ लकड़ी लेने जंगल में जा रहे थे, ऐसा बताया गया। और इसी दौरान कुछ कहा सुनी हुई, तो जो कुल्हाड़ी से उसने अपनी सास केसरबाई के सिर में वार किया, हाथ में भी किया, उंगली भी कटी है, और उस दौरान उसकी मृत्यु हुई, हत्या हुई। पत्नी के भी साथ मारपीट की है, उनके उसके चोटें आई हैं, उसको उपचार के लिए भेजा गया था, वहाँ से ग्वालियर रेफर कर दिया गया। तो सर, आरोपी पकड़ में आया था? आरोपी क्योंकि ये गांव की घटना नहीं है, खेत हार की है, वहाँ का उसने मौके का फायदा उठाया, वहाँ से भागा है। उसके लिए 3 पार्टियाँ रवाना कर दी गई, जल्दी पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।